G20 की डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्वारा देश के सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के CM हेमंत सोरेन पर G20 के डिनर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। शनिवार की रात डिनर पार्टी के दौरान लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। वहीं दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली से पटना के लिए वापस रवाना हो गए हैं। पटना लौटने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि राष्ट्रपति ने आने का निमंत्रण दिया था, इसलिए हम लोग आ गए। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग 4 घंटा से ज़्यादा समय वहाँ रहे, फिर यहाँ आ गए और आकर वापस फिर जा रहे हैं। डिनर का कार्यक्रम कैसा रहा, इस सवाल पर CM नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत अच्छा रहा। बता दें, दिल्ली में डिनर के दौरान बिहार के CM नीतीश कुमार और झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हुई है। इसी बीच नीतीश कुमार के दिल्ली के दौरे के बाद बिहार में सियासत फिर से तेज हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर BJP नेता ऋतुराज सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राष्ट्रपति के भोज में नीतीश कुमार के शामिल होने पर ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि कल तक सामने सामने होने से गुहेज करते थे, कल 4 घंटे तक बैठे थे, ये अच्छा है। वही तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जितनी बैठक करनी है कर ले, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार की जनता का, खास करके युवाओं का विश्वास खो चुके हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली में भोज के दौरान लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। बिहार में अचानक NDA से अलग होकर राजद के साथ जाकर सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों नेता अभी तक आमने सामने नहीं हुए थे। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के दिल वापस मिलेंगे क्या।